क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट वेट करो, कुछ राइटिंग गिरा रहा है इसमें, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसमें। तो देखना, तब तक क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट आईपीएससी नेम, कौन सा इनकरेक्ट आईपीएससी नेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबका तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद ही चेक कर पाएंगे वो क्या है उसमें वहां पे। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है यहाँ पे थ्री मिथाइलिन ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड दैट मीन्स फोर कार्बन का चेन आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड हो NH2, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन है कुछ नहीं है तो H। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, मिथाइलिन बोला जा रहा थर्ड पोजिशन पे, दैट मीन्स CH2, ये मिथाइलिन है और ये क्या रहेगा तुम्हारा CH3। ये 1 2 3 4 थ्री मिथाइलिन ब्यूटेनामाइड ये करेक्ट है इसमें, पॉसिबल है ऐसा। बी में इथिनिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, ETHEN इथेनाइल साइक्लोहेक्सेन CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। ये इथिनाइल है और यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें सोचना है कि रॉन्ग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम, बट कार्बन एटम से पहले हम लोग किसको देते हैं प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे इस रिंग में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तुम्हारा, दैट मीन्स 2 ही कार्बन का मेन चेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और जब ये मेन चेन आ गया इसका जो नेम होता है 1 2, 2 ही कार्बन है इसको सिंपली क्या बोलो, 1 साइक्लोहेक्साइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये मेन चेन, ये क्या रहता है साइक्लोहेक्साइल इथीन। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें 2 ही कार्बन का मेन चेन हो क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मल्टीपल ये नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले हम लोग डबल बॉन्ड को पहन देते हैं मेन चेन सिलेक्शन में, दैट मीन्स एक मिनट इसमें पूछा क्या जाता है इनकरेक्ट आईपीएससी नेम, ये तो इनकरेक्ट है यहाँ पे है थ्री मिथाइलिन ब्यूटेनामाइड, ये तो करेक्ट आ रहा है इसमें, चेक करते हैं यहाँ पे। चेक करते हैं यहाँ पे बाकी को भी, ए बी सी ये तो करेक्ट होना चाहिए, बी तो इनकरेक्ट है, सी की बात करें हम लोग 1 2 डायब्रोमो नहीं। अब देखो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, लो यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं ये ऑप्शन में, ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। अब इसमें यहाँ पे गलत क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैंने ड्रॉ कर लिया बट एक्चुअल में इसका नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ सब लोग, मेन चेन में यहाँ पे क्या करता है डबल बॉन्ड इंक्लूड करेंगे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे, इसको क्या करना था इंक्लूड करना था वहां पे। ये तुम्हारा मेन नेम क्या आया था इसमें, फिर तुम्हारा थ्री मिथाइल 1 2 3 ब्यूटेन ब्यूट 3 इन 1 अमाइड, ये करेक्ट नेम होगा वहां पे तुम्हारा, तो 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना था और उसके बाद खुद से उसका ट्राई करना था कि करेक्ट नेम क्या होगा, तो करेक्ट नेम ये होगा, वो इनकरेक्ट नेम गिवन था। ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी की बात करें 1 2 5 ट्राइब्रोमो 3 4 6 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब वो दिखने में लग रहा है कि कम्प्लेक्स सा नेम है बट सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, साइक्लोहेक्सेन 3 4 6 ट्राइक्लोरो,
और 1 to 5, तो 1 to 5 यहाँ पे एक बी आर, बी आर, बी आर, और क्या करते हैं यहाँ पे 3, 4, 6, इसके अकॉर्डिंग में ड्रॉ कर ले रहा हूं यहाँ पे सी एल, सी एल, और ये क्या रहा है तुम्हारा यहाँ पे है सी एल। तो 1 to 5 ट्राइब्रोमो, 3, 4, 6 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा जा रहा है, बट इसका आप करेक्ट नेम सोचना यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा। इसमें नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नंबरिंग इसमें यहाँ से स्टार्ट किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट इसका करेक्ट नंबरिंग क्या है। इसमें तो हमेशा पोजिशन का, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजिशन क्या आ रहा है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट मुझे अल्फाबेटिकली लोएस्ट पोजिशन देना है, तभी जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पोजिशन क्या मिल रहा है तुम्हारा 1 to 5, उसको और भी लोएस्ट पोजिशन मिल सकता है अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है यहाँ पर। अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका करेक्ट नेम क्या आ जाता है यहाँ पर, ये तुम्हारा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन, इस कार्बन जहाँ से ब्रोमीन आ रहा है यहाँ पे, जिससे कि तीनों ब्रोमीन को 1 to 4 पोजिशन मिल सके, ये तुम्हारा करेक्ट नंबरिंग है, इसके अकॉर्डिंग नेम करते, तो सी बी रॉन्ग आ रहा है तुम्हारा। डी की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो डी में बोला जा रहा है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, तो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन का मतलब क्या था यहाँ पे तुम्हारा, एक ही कार्बन से तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग कनेक्टेड है वो यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पे है, ये क्या है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, एक ही कार्बन का मेन चेन ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे है, आई थिंक ये करेक्ट आएगा, एक बार चेक भी करो, आंसर चेक करो इसका क्या गिवन है, ए बी सी रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, चेक करो आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेंगे वहां पे हम लोग, तो ठीक है इसका आंसर ए बी सी होगा, डी करेक्ट आ रहा है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3-bromo-4-methyl-cyclohexane। अब देखो एडवांस का क्वेश्चन तुम्हें करना है तो थोड़ा उसमें तो पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें, बट लॉजिक ऐसा नहीं, एडवांस के क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग पढ़े हैं उसी से भी एडवांस, उसी से एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होता है। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3-bromo-4-methyl-cyclohexane, तो साइक्लोहेक्जेन बना लो सबसे पहले, 1,2-dicarboxylanhydride, यहाँ पे क्या रहेगा 1,2 पोजिशन पे, ये 1,2 सी डबल बॉन्ड और ये एनहाइड्राइड आ गया। अब क्या करना है तुम्हें 3-bromo-4-methyl, ये 1,2,3 और ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें 4-methyl, दैट मीन्स यहाँ पे CH3 ये हो सकता है, या फिर और क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे हम लोग, ये बी आर को ऊपर भी रख सकते थे यहाँ पे, एनहाइड्राइड तो यही स्ट्रक्चर आता तुम्हारा इसमें, एक ये सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड, बट यही बी आर यहाँ पे और ये सी एच थ्री यहाँ पे, ये सेमी कंपाउंड है, ये 1, 2, 3, 4 और इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, ये दोनों कंपाउंड्स पॉसिबल है, बाकी बी और सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन बोला जाए 3-bromo-4-methyl, तो थर्ड पोजिशन पे ही ब्रोमो होना चाहिए, दैट मीन्स 1,2 यहाँ से स्टार्ट करती है, थर्ड यहाँ पे आना चाहिए, या फिर नीचे से स्टार्ट करें तो थर्ड पोजिशन ये रहेगा ब्रोमो, इसका आंसर क्या आ जाता है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेकेंडरी सफिक्स नेम इज यूज्ड एज अ कार्बोक्लिक एसिड, तो कार्बोक्लिक एसिड कब यूज करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यस क्या बता रहे हो इसमें,
या कुछ पूछ रहे हो? देखते हैं वहां पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि डायक्लिक किसमें कनेक्टेड होगा, कार्बोक्लिक हेड किसमें एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। दैट मीन्स जिसमें कि रिंग रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो कार्बोक्लिक एसिड, तो बी सी डी ई चारों ऑप्शन में क्या आ रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड स्पेशल सफिक्स यूज होगा कार्बोक्लिक हेड, जबकि ए ऑप्शन में एसिटिक एसिड है, वो ओपन चेन है, उसमें नॉर्मल ओइक एसिड यूज होगा, इथेनोइक एसिड। तो आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर टाइप का 4 बी सी डी, आंसर क्या आया था उसका 4 इंटीजर टाइप में 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखो वहां पे एक लार्ज साइज स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप कितना प्रेजेंट है वहां पे। एल्डिहाइड ग्रुप की अगर मैं बात करूं वहां पे, तो लास्ट वाला जो रिंग है उसमें देखोगे ध्यान से, मैं सिर्फ एक ही रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, लास्ट वाला OH। अब दिखने में लग रहा है कि यहां पर भी एल्डिहाइड होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये NH C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे, ये NH आ गया, ये पूरे को देखना था। अब ये कौन सा ग्रुप है बताओ, सब लोग बताओ इसमें ये कौन सा ग्रुप आ रहा है तुम्हारा? अमाइड। ये क्या है तुम्हारा? अमाइड। ये एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली ऊपर भी एक ग्रुप है, वहां भी CHO लिखा गया है, बट उसका मतलब क्या है? वो C डबल बॉन्ड हो है, ये भी एल्डिहाइड नहीं, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है। ये कौन सा ग्रुप है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कीटोन नहीं, कीटोन भी नहीं। कार्बोक्सिलिक कब होता है? जब ये आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एच कनेक्टेड होता, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ कोई, बताओ इसका नेम क्या है, इस कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे? कीटोन भी नहीं है, कीटोन में तो दोनों साइड कार्बन चेन रहता है, सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड कार्बन चेन, देन कीटोन। सर ईस्टर, बिल्कुल। ये क्या होगा यहाँ पे? ईस्टर। ये क्या रहा? ईस्टर। मैंने ईस्टर में बताया था कि एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई कार्बन चेन कनेक्टेड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन से ये कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कार्बन हो यहाँ, दैट मीन्स ये कौन सा ईस्टर है यहाँ पे? तो ये ईस्टर हो गया, ये अमाइड हो गया। बाकी अब क्लियर है, एल्डिहाइड ग्रुप जो रहेगा तुम्हारा दो ही आ रहा है, एक बीच वाले रिंग मिडिल वाले रिंग के ऊपर में, और एक लेफ्ट लेफ्ट वाले रिंग के नीचे में CHO, तो दो ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट DPP, DPP नंबर A7। सर फर्स्ट ब्लॉक के लास्ट में वो क्या, कौन सा है फिर? आप फिर से बताओ क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 9 के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके नीचे जो सबटेंट वो कौन सा है? देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या था, मिडिल को आ रहा था वहां पे है, ये CHO, तो वो भी क्या एल्डिहाइड। मिडिल वाले की बात करू मैं यहाँ पे है, ये नीचे वाला कौन सा है? सी डबल बॉन्ड हो है, कीटोन। ये कीटोन है तुम्हारा, और ये CHO, ये एल्डिहाइड है। ये क्या रहा था तुम्हारा इसमें? अल्कोहल। ये स्टार आ ही रहा था, और ये नीचे भी क्या आ रहा है यहाँ पे? अल्कोहल। क्लियर है, ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, ये आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हें इसका मतलब है कि टेबल भी अच्छे से याद होगा, कि अपने आप याद हो जाता कौन सा ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पे। तो ठीक है, DPP नंबर A7 में डॉट बताओ क्या है? DPP नंबर A7 मेंस का DPP है, ये तो आसान सा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी लोग भी बताओ इसमें DPP नंबर A7।
क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 वेदांत, यस नो डाउट हो गया, सही है, सारा हो भी जाना चाहिए इसमें यहाँ पे। अब तो ठीक है, और भी किन्हीं का कुछ डाउट है जो कि अटेम्प्ट किए हो नहीं सॉल्व हुआ तो उसको तो पूछना यहाँ पर, इजी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो तुम्हें, तुमने टाइम दिया है क्वेश्चन के पीछे, सॉल्व नहीं हुआ तो उसको फिर क्लास में पूछना है। और ऐसा भी नहीं कि सॉल्व किए नहीं, सिर्फ सेप साइज क्वेश्चन का देख करके भी नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी आ गया है, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर क्या होता है इसमें तुम्हारा, CH3CH2OCH2CH3, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल और ये बीच में ईथर, डाइथाइल ईथर। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये ऑप्शन में कौन किसके साथ ये आइसोमेरिक नहीं है, तो नॉर्मल प्रोपाइल इथाइल ईथर, नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर है, इसमें भी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन बैलेंस आ रहा होगा, ये आइसोमेरिक हो पाएगा। इसमें रिलेशन क्या है कौन बताओगे, इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन कौन सा आइसोमर है, मेटामर्स करेक्ट है, ये क्या रहेगा तुम्हारा मेटामर, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा कार्बन चेन डिफर कर रहा है, दैट मींस मेटामर। यहाँ तो सिंपली आइसोमर्स पूछा जा रहा है, ब्यूटेन ऑन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ये तुम्हारा ब्यूटेन वन ऑल आ गया, ये भी आइसोमर्स है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन बाकी बैलेंस हो रहा होगा, ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है एक दूसरे का, फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स ही चेंज है, इसमें अल्कोहल और इसमें ईथर है, और फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाए दैट मींस फंक्शनल आइसोमर्स, सी ऑप्शन, दैट मींस ये भी आइसोमर्स आ पा रहा है। सी ऑप्शन की बात करें, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, उसका स्ट्रक्चर क्या रहा था, CH3CH3OH, 1 2 3, ये दोनों में रिलेशन क्या आ जाता तुम्हारा, ये भी आइसोमर्स है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारा हो, तो यहाँ भी अल्कोहल और इसमें क्या ईथर, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स, डी ऑप्शन बोला जा रहा है कि ब्यूटेनॉन, कीटोन ग्रुप आ रहा है वहां पे, इसका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, ईथर जो कि बना है डाइथाइल ईथर, इसमें 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे 5+5, C4H10O, और इसमें कितना कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे, 8H2O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं, दैट मींस ये आइसोमर्स नहीं हो पाए। तो ब्यूटेनॉन का ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, पहले ये ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, तो आंसर इसका डी आ जाता, वो आइसोमर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला जा रहा है द कंपाउंड C4H10O10 शो, क्या क्या शो कर सकता है, C4H10O, ये तो क्वेश्चन लोग कर रहे थे यहाँ पे C4H10O, यही तो आ रहा था ऊपर C4H10O, ये मेटामर्स भी शो कर पा रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स भी शो कर पा रहा है, और ये इवन इस कंपाउंड्स का ये पोजिशन आइसोमर्स भी हो पाएगा यहाँ पे। पोजिशन आइसोमर्स कैसे है, यहाँ पे इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये अल्कोहल आ रहा है, ये फर्स्ट पोजिशन पे है और ये सेकंड पोजिशन पे भी तो आ सकता था यहाँ पे, ये पोजिशन आइसोमर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेटामेरिज्म भी हो पाएगा, फंक्शनल भी हो पाएगा, पोजिशन भी हो पाएगा, दैट मीन्स आंसर क्या आया था, डी, ऑल टाइप्स का हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दो तीन लोगों का डाउट था, देखते हैं क्या है उसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा, इनकरेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तुम्हारा कुछ कॉमन नेम है उसको याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑप्शन का तो कॉमन नेम मैंने क्लास में भी बताया होगा, उसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, बाकी मैंने PDF सेंड किया हुआ था कॉमन नेम के लिए, ये तो क्या है, पिक्रिक एसिड, करेक्ट है ये। सेकेंड में आ रहा है तुम्हारा
इसका भी कॉमन नेम याद रखना था, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, करेक्ट है वो। बोलो सर ये नेम आपने तो बताया नहीं, मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा था कॉमन नेम के लिए, उसका मैंने बता रखा है कि ये क्या पिक्रिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है, करेक्ट है। सी ऑप्शन में फिनॉल है, वो तो नेम पता ही होना चाहिए सबको, बेंजीन के ऊपर वाइज फिनॉल। और ये जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा डी ऑप्शन, इसको सिंपली बोलते हैं लोग थैलिक एसिड, नॉट आइसोथैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, थैलिक एसिड। ये सब का कॉमन नेम दिया गया, तुम्हें डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा कॉमन नेम, इसके लिए कोई रोल नहीं है। अब मान लो कि इसका आईपीएससी नेम पूछा जाता, तो इसका आईपीएससी नेम कौन बताओगे डी वाले का? इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड रहेगा, आइसो थैलिक एसिड नहीं होता, इसलिए वो रॉन्ग है। बाकी आईपीएससी नेम सोच के बताओ कोई भी, बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सोचना था। तो आईपीएससी नेम रूल के अकॉर्डिंग सोच पाओगे जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है, बट कॉमन नेम तुम्हें डायरेक्टली याद रखना रहेगा, उसके लिए कोई भी रूल नहीं है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि विच इज एस्पिरिन, हम लोग क्लास में किए हुए हैं, एस्पिरिन क्या होता है, हम लोग क्लास में किए होंगे, ये भी कॉमन नेम है, क्लास में किया गया क्वेश्चन है, स्टार वाले में जाके चेक करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस्पिरिन। इसका आईपीएससी नेम भी मैंने क्लास में बताया हुआ, ये डायरेक्टली लर्न करना है तुम्हें। और भी कोई डाउट इसमें, डीपीपी नंबर A7 में किन्हीं का कुछ हो तो बताओ। डीपीपी नंबर A7 सर बेंजीन डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव, दैट मीन बेंजीन से ही बन रहा हो वहां पे, कौन सा क्वेश्चन वो बताओ उसमें, किसी क्वेश्चन में आ रहा हो तो। 12th नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजाइल डेरिवेटिव्स, अभी बोला जा रहा है कि बेंजाइल डेरिवेटिव्स कौन नहीं है, बेंजीन नहीं, वो क्या है, बेंजाइल। हम लोग थर्ड लेक्चर में जहाँ पे पढ़े थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, वहीं पे जाके देखते हम लोग पढ़े हुए थे विनाइल, एलाइल और बेंजाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग बेंजाइल, ये तुम्हें याद रखना है, इसी को क्या बोला यहाँ पे, बेंजाइल। अब बेंजाइल और ये फ्री बॉन्ड है यहाँ पे, इस पे जो ग्रुप आता जाएगा उसी को बोला हम लोग बेंजाइल डेरिवेटिव। इसमें ए ऑप्शन में यहाँ पे सीएल अटैच कर दिया कि बेंजाइल क्लोराइड, वो भी बेंजाइल डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे ओएच अटैच कर दिया गया, ये भी बेंजाइल डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे तुम्हारा NH2 अटैच कर दिया, ये भी बेंजाइल है, वो भी बेंजाइल डेरिवेटिव्स है। और लास्ट है तुम्हारा डायरेक्टली बेंजीन से अटैच कर दिया गया, ये बेंजाइल डेरिवेटिव्स नहीं है यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, यस सर, तो ठीक है, इसमें एक और है सर, डीपीपी नंबर A7 के ऊपर वाले का 3, दैट मीन्स डीपीपी नंबर A6 का 3 पूछ रहे हो इसमें, सर वो केम इन्फो है ना उसमें, ओके केम इन्फो में, केम इन्फो में क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वहां पे वो है, वो किस टाइप का कंपाउंड है तुम्हारा, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो स्पायरो, मैंने क्लास में बताया हुआ है, इसके अलग वो क्लास में बेसिकली मैं जनरली बताता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी दे दिया जाता है यहाँ पे डीपीपी में, क्योंकि अब जे एडवांस के सिलेबस उसको हटा भी दिया गया, बट फिर भी मैंने उन लोगों के क्लास में बताया हुआ बायसाइक्लो स्पायरो। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 3D फिगर दिया गया वहां पे, इस टाइप से देखोगे उसमें वहां पर,
इस टाइप का आ रहा है कुछ इसमें यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे कार्बन है, स्ट्रेट लाइन है बेसिकली है। अब यहाँ पे क्या दिया, इस टाइप से कनेक्टेड क्या हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल क्लास में बताया तुम लोगों को, इसमें ये दो कॉमन कार्बन है यहाँ पे है, और यहाँ पे जो वर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कार्बन है, बट वहाँ पे एक्चुअल में कोई कार्बन नहीं है, इसी दोनों कार्बन से परपेंडिकुलरली अपवर्ड ये कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो दो पेन, एक पेन यहाँ पे रखो एक पेन यहाँ पे रखो, और दोनों पेन का जो ऊपर वाला पोर्सन है जो हेड है उसको मैच करा दो यहाँ पे, दैट मीन्स ये कार्बन आ जाएगा तुम्हारा, तो बीच में कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे। और ये एक बायसाइक्लो कंपाउंड से, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग इसमें, कॉमन कार्बन से, किसी भी कॉमन कार्बन से स्टार्ट करो और देन लार्जर रिंग में जाते हैं, पहले 1 2 3 4 5 देन स्मॉलर रिंग 5 6 7 और ये तुम्हारा 8 कार्बन। तो सीवेज का जो पोजिशन होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, 8 कार्बोक्लिक एसिड, ऑप्शन से चेक करो क्या रहा है उसमें, वहां पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है 8 कार्बोक्लिक जो कि सी ऑप्शन है। लॉजिक क्या था, एक बार जाकर के स्टेटमेंट देखो तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, बट ये 3D में है थोड़ा इसमें सोचने में दिक्कत हो सकता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ये 3D में है वहां पर। चलो ठीक है, डीपीपी नंबर 7 में और भी कोई डाउट, 7 में अगर डाउट नहीं तो आगे बताओ। डीपीपी नंबर A8 या 7 में भी, तो पहले 7 में बताओ अगर की हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर तुमने कुछ टाइम दिया है क्वेश्चन पे नहीं सॉल्व हुआ तो बाकी दूसरे का वेट नहीं करना है कि दूसरे पूछेंगे तो मेरा भी हो जाएगा। तो ठीक है, उसमें डॉट नहीं, 7 में 8 में बताओ, 8 में 9th नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है अभी, हम लोग नहीं पढ़े हैं आज, पढ़ेंगे हम लोग जो नोटिस, 9 नहीं करना है अभी, उसके अलावा कोई डॉट हो सर 8 का थोड़ा थोड़ा सभी डिस्कस कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कि हाउ मेनी मोनोक्लोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल प्रोड्यूस 3-methyl, तुम खुद बता पाओगे उसमें देखो क्या है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल प्रोड्यूस व्हेन 3-methyl pentane। तो 3-methyl pentane क्या होता है तुम्हारा, इसमें CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 इसका बोला जा रहा है रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने बताया हुआ था Cl2H𝛎, या H𝛎 ना दे करके क्या रह सकता है, सनलाइट। ये लोग मोनो हैलोजनेशन में पढ़े हुए थे, इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सोच के बताना है, जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा उतना ही मोनोक्लोरो प्रोटीन मिलेगा। देखते हैं 7 को भी, देखना पहले 8 का बताओ। 3 टाइप के सोचो यहाँ पे, तुम लोग खुद से सोचो उसमें, सोचो एक मिनट उसको। और ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कराया हुआ है क्लास में, सोचने का तरीका क्या है इसमें, मान लो कि ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये तुम्हारा 3 डिग्री, तो 3 तो क्लियरली दिख रहा है वहां पे, डिग्री डिफरेंट हो गया देखते हैं वो डिफरेंट टाइप का, बट ये देखते हैं यहाँ पे ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, तुम्हारा 2 डिग्री से, और ये 1 डिग्री भी 2 डिग्री है, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का, बट ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री से, ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, मैं डबल टिक कर रहा हूँ, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री भी सेम टाइप का आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये 2 डिग्री भी किससे कनेक्टेड है, एक 1 डिग्री और एक 3 डिग्री से, और ये 2 डिग्री भी किससे कनेक्टेड है, एक 3 डिग्री और एक 1 डिग्री से, तो ये और ये तुम्हारा सेम टाइप का, और डिग्री इसका डिफरेंट है, ये तो फिर डिफरेंट होगा ही, तो डिफरेंट कितना मिल गया, 1
टू थ्री फोर, फोर डिफरेंट टाइप का है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, फोर। क्लियर? अब यहाँ पे बस डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना था यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी अब चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का सिर्फ डी ऑप्शन नहीं कर पाओगे अभी। क्वेश्चन नंबर सेवन का डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेवन का ए बी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ए में बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टेल्स अबाउट हाइड्रोजन डिफिशियंसी फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और रिंग। सही स्टेटमेंट है। सेवन का ये सही स्टेटमेंट है। बी हाइड्रोजनेशन टेल्स अबाउट कार्बन स्केलेटन, बी ऑप्शन भी सही है। मैंने पिछले क्लास का लास्ट स्टेटमेंट देखो, पिछले क्लास का लास्ट स्टेटमेंट सेवन का बी ऑप्शन तुम्हें क्लियर करेगा कि हाइड्रोजनेशन टेल्स अबाउट कार्बन स्केलेटन। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता, कार्बन स्केलेटन एज इट इज रहता है तुम्हारा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है कि कार्बन स्केलेटन कैसा है वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बता पाता है। क्वेश्चन नंबर सी, मोनोहैलोजनेशन टेल्स अबाउट टाइप ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मोनोहैलोजनेशन क्या बताता है कि कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग इतने क्वेश्चन में कर भी रहे थे। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी के बारे में अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। वैसे डी भी करेक्ट है कि ओजोनोलिसिस टेल्स अबाउट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। तो ओजोनोलिसिस भी किसको आइडेंटिफाई करता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, दैट मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बाकी हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस और क्लियर हो पाता हूँ। हाँ ऋतिका, कुछ पूछना है तुम्हें उसमें, क्या पूछ रहे हो उसमें? फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा डाउट है उसमें। क्वेश्चन नंबर वन टू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में उन्हें बोला जा रहा है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है वन भी, बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड की बना है फंक्शनल आइसोमर रिलेशन विद, इसके साथ फंक्शनल आइसोमर रिलेशन में वहां पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करोगे ये क्या है तुम्हारा सीड, देख लोगे सब लोग देख लोगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस जिनका डॉट है ठीक है सॉल्व कर भी लिए हो, जो लोग उसको देखने की जो तुमने सोचा है कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि रटना तो है नहीं साइंस। तो यहाँ पे तुमने जो सोचा हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से सोचकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ पाए। मैथ्स भी क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक नॉर्मल में जैसा यहाँ पे रहता है उसी तरीके से लोग भी सोचे हो जो लोग कर लिए हो। क्वेश्चन नंबर वन में इसका डी यू कितना आ रहा है वहाँ पे, वन। इस कंपाउंड का डी यू कितना है यहाँ पे, वन। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन डी आ रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे है ए ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शन में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, डी यू वन है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड दिया गया सी एच ओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और डी यू भी अगर उसका सेम आ रहा है वहां पर, दैट मीन्स वो कंपाउंड आइसोमर्स हो पाएगा। अब फंक्शनल आइसोमर्स है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर्स डिफर करे। ए में क्या आ रहा है तुम्हारा, एल्डिहाइड और अल्कोहल है जबकि एक कार्बोक्लिक एसिड है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट आ गए ये ऑप्शन का, तो फंक्शनल आइसोमर्स आ पाएगा। बी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईस्टर, डी यू उसका भी क्या आ रहा है तुम्हारा वन, बी भी आइसोमर्स हो पाएगा फंक्शनल आइसोमर्स क्योंकि इसमें एसिड और इसमें ईस्टर। सी ऑप्शन में भी क्या है तुम्हारा, अलग अलग ग्रुप है उसमें अल्कोहल आ रहा है, दो दो अल्कोहल और इसमें क्या है तुम्हारा कार्बोक्लिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, दैट मीन्स वो भी फंक्शनल आइसोमर्स। और डी ऑप्शन में तुम्हारा क्या रहा है, डी ऑप्शन का भी डी यू वन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है इधर, वो भी तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर्स हो पाएगा इसका। ए बी सी डी सब करेक्ट होगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर टू सेम चाहिए क्या, हाँ बताओ फिर से।
डीयू भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल डीयू सेम होगा तभी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पाएगा उसका। डीयू सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो पाएगा उसका। अगर कार्बन हाइड्रोजन एटम्स अगर सेम टाइप का प्रेजेंट है, एटम्स अगर सेम टाइप का प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसका डीयू भी सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर टू भी था, क्वेश्चन नंबर टू में भी देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में भी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की बात करते हैं हम लोग। CH3CN और यहाँ पे आ रहा है CH3NC, इस ग्रुप का नेम क्या है कौन बताओगे? संतुलन कौन सा ही है? साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल, इसको क्या बोलो, नाइट्राइल या साइनाइड। और ये NC आ रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल नहीं, साइनाइड। जहां पे पेज पलट करके देखो, जहां पे मैंने नाइट्राइल का IUPAC नेम बताया उसके जस्ट आगे ये NC भी आ रहा था। तो कार्बन चेन के साइड से C कनेक्टेड हो CN, ये नाइट्राइल, और कार्बन चेन के साइड से अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड हो NC लिखा रहे, सुनो क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। पेज तो पलटो एक बार तुम लोग, नोमेनक्लेचर का, जहां पे साइनाइड पड़े हुए हैं वहीं पे ये भी होगा। क्लियर है? ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड, या एक नाइट्राइल और एक आइसोनाइट्राइल, इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स, दोनों अलग अलग फंक्शनल आइसोमर्स है। और दोनों का भी मैंने इसका भी दो तीन एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया हुआ है नेमिंग इसका, आइसोनाइट्राइल का। सर ये आइडेंटिकल भी होंगे क्या? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है ये, क्योंकि इसको हम लोग आइसोसाइनाइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है, ये नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता यहाँ पे। सर हम एएसपी सॉल्व करेंगे, एपीएसपी सॉल्व करो बुकलेट का, बट उसका सॉल्यूशन तुम लोग सॉल्व कर लो, और उसका सॉल्यूशन पीछे दे रखा है विद सॉल्यूशन, तो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे उसके क्वेश्चन, क्योंकि एपीएसपी का मीनिंग है कि वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, और उसका सॉल्यूशन विद आंसर पीछे दे रखा है वहाँ पे, वो चीज़ें क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। और भी कुछ डाउट हो तुम्हारा डीपीपी नंबर 8 में? एक क्वेश्चन 5 भी था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पे हम लोग, बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, वहां पे जो कंपाउंड दो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, देख लो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, तो दोनों में तो इनहाइड्राइड ही है, और जब दोनों में इनहाइड्राइड ही है वो फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 2, ए रॉन्ग है तुम्हारा। बी की बात करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 2, डी यू उसका 2 बोला जा रहा है, बट डी यू कितना है किसी भी कंपाउंड का? 3, दो डबल बॉन्ड और एक रिंग है, तो डी यू क्या होगा? 3। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, डी ऑप्शन में बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन चेन वेरी कर रहा है, दैट मींस मेटामर्स होगा वो, तो सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी इनकरेक्ट है। और कुछ डाउट तुम लोगों का? चलो ठीक, डाउट नहीं है, तुम लोग कुछ आगे पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। सर पीओसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म पीओसी, पीओसी का फुल फॉर्म, पीओसी का फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में लिख करके दिया होगा तुम्हें, बताओ सब लोग बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, दो दिन पहले जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा आप इसमें क्लियरली मेंशन है, इसमें भी जो हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे मोनोहैलोजिनेशन कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन बेसिकली स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है, पीओसी में अलग से पढ़ेंगे, बट उसमें दे रखा है कि पीओसी अप टू ओजोनोलिसिस, दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन रहेगा मोनोहैलोजिनेशन से रहेगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन से रहेगा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पे, और एक ओजोनोलिसिस। तो पीओसी का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन के। अब क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे ये है कि कोई अल्किन है विथ वन डबल बॉन्ड और इसका जब कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन हो H2Ni हो इस टाइप का कंपाउंड बन रहा हो फाइनली, इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ अल्काइन्स, कितने अल्काइन्स पॉसिबल है यहाँ पे, सॉरी अल्किन्स, टोटल नंबर ऑफ अल्किन्स, टोटल नंबर ऑफ अल्किन्स पॉसिबल सच दैट ये जो तुम्हारा फाइनल कंपाउंड आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टू मिथाइल पेंटेन सच दैट टू मिथाइल पेंटेन टोटल नंबर ऑफ अल्किन पॉसिबल सच दैट टू मिथाइल पेंटेन फॉर्म्स आफ्टर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन H2Ni का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो तुम लोग खुद से सोच पाओगे ऐसा क्वेश्चन को, यहाँ पे अल्किन कितने अल्किन ले सकते हैं, तो कार्बन स्केल्टन तो चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कार्बन स्केल्टन तो चेंज नहीं होता है, तो सिर्फ अलग अलग पोजिशन पे डबल बॉन्ड लगा करके अल्किन बनाना है वहां। बिल्कुल ये थ्योरी पार्ट है, यस यहाँ पे इसको नोट करना है थ्योरी पार्ट में, जो पिछले क्लास में जहाँ पे हम लोग थ्योरी खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करना है। अपेक्षा 4, बाकी लोग भी सोचो, देखते हैं क्या करेक्ट है। सर हाइड्रोजनेशन में तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हटा करके अल्केन बनाते, तो ये यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये अल्किन, उल्टा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट ही दे दिया गया है और रिएक्टेंट में क्या होगा तुम्हारा डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड को हटा करके ये अल्केन बना रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कितना डबल बॉन्ड होगा कितना अल्किन होगा वो चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो कार्बन स्केल्टन है उसको एज इट इज रखना है, सिर्फ इसमें अलग अलग पोजिशन पे देखना है कि कितने पोजिशन पे डबल बॉन्ड को अटैच कर सकते हैं जिससे कि डिफरेंट अल्किन मिले। अपेक्षा आंसर सही है तुम्हारा, बाकी लोग भी सोचो इसमें। सही है, यस बिल्कुल सही है, आंसर क्या रहा था वहां पे, तो बाकी लोग श्रेय नहीं, श्रेय सोचो फिर दोबारा, जय सही आ रहा है। ये बस एक उल्टा क्वेश्चन जो पिछले क्लास में जितना भी एग्जांपल करे तो उसी को जस्ट मैंने उल्टा किया, बाकी एज इट इज। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नोट करो, बाकी लोग अगर सोच पा रहे हो तो सोचो, टोटल नंबर ऑफ अल्किन पॉसिबल सच दैट टू मिथाइल पेंटेन फॉर्म्स आफ्टर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। रितिका सही नहीं है, थोड़ा और सोचना है उसमें। देखो यहाँ पे क्या करना है, मान लेते हैं कि यही कंपाउंड मुझे फाइनली फॉर्म करना है आफ्टर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, यही कंपाउंड यहाँ पर लिख लो तुम। अब डबल बॉन्ड इसमें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है विथ वन डबल बॉन्ड जो अल्किन ले रहे हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाओ
तो डबल बॉन्ड को ऊपर लगा या फिर यहाँ पे नीचे लगा, वो तो सेमी कंपाउंड है, क्लियर है? इस दोनों पोजिशन में किसी एक पोजिशन पे डबल बॉन्ड को अटैच करते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या और करोगे, यहाँ पे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कार्बन स्केल्टन यही रखना है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड को अटैच करके देखना है। तो ये दोनों पोजिशन तो तुम्हारा सेम आ रहा था, किसी एक पोजिशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड को अटैच किया। अब इस चारों का जब कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे यहाँ पे, इसमें तुम्हारा यही बॉन्ड मिलेगा, उसमें डबल बॉन्ड हट जाता है, इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे तुम्हारा फोर। क्लियर है सबको? किन्हीं को कोई डाउट तो दोबारा पूछो, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, बट चीजें पहले बार में कोशिश करो कि समझे वहां पे। श्रेय, रितिका, क्लियर अब कैसे आएगा इसका आंसर फोर? यस सर। जो ठीक है, तो फाइव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा सेम है, किसी एक ही क्वेश्चन पे डबल बॉन्ड को अटैच करना था। तो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, यहीं पे स्पेस है अभी। क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें H2NI, प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा ए, कोई भी प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, और इस ए का जब ये मोनो हैलोजिनेशन कराते हैं Cl2H2, इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये आंसर बताना है तुम्हें, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। पहले तो ये सोच लो कि ये क्या बनेगा, ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है उसको हटा देते, ये बन जाता तुम्हारा। सोचो आंसर बताओ पहले सब लोग। अपेक्षा फोर, देखते हैं यहाँ पे 1 2 सही आंसर सही है। तो देखो इसमें मैंने आंसर बता दिया, यहाँ पे इसमें क्या करना था, यहाँ पे ये तुम्हारा डबल बॉन्ड को हटा देते हैं, दैट मीन्स H2 और H एड हो चुका है, तभी ये डबल बॉन्ड हट रहा है। तो कैटलिटिक हाइड्रोजन में सिंपली डबल बॉन्ड को हटाते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि एच और एच एड होता है वहाँ पे। अब जैसे ही आ गए, इसका यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना था, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप है क्योंकि सिमेट्रिकल है, और ये 2 डिग्री तुम्हारा डिफरेंट टाइप का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 4, ये दोनों सिर्फ सेम टाइप का आ रहा है, बाकी सब डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका 4। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कैटलिटिक हाइड्रोजन भी पहले कराना था, ये बनाना है तुम्हें, और इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना था। इसमें चेक कर लेते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आंसर आ जाता तुम्हारा 4। यार सबको ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो दो प्रोसेस भी रह सकता है यहाँ पे। तो एक का मतलब कि पहले ये करा लेंगे, तो एक का मतलब ये बन रहा है तुम्हारा, और इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना था, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना था, वो कितना आ रहा है 4। जो ठीक है, आज मैंने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लिया इस पे। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है ओजोनोलिसिस, उसका मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, काफी आसान सा पार्ट है वो ओजोनोलिसिस। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। चलो देख, एक क्वेश्चन ये बताओ तुम लोग कि फिजिकल केमिस्ट्री में
रिडॉक्स रिएक्शन पा लिया क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस या नो? बाकी अभी बाकी रिडॉक्स में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ठीक है यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा है। इसमें लोग यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट तीन पार्ट था इसमें, मोनो हैलोजिनेशन, कैटालिटिक हैलोजिनेशन और ये लास्ट था ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस भी किसका करते थे हम लोग, अल्किन और अल्काइन का, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पे क्या हो तुम्हारा आर, और कहीं भी कैपिटल आर लिखा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। और जब ओजोनोलिसिस प्रोसेस है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम लोग, ओ थ्री के साथ, ओजोन। ना तो पढ़ा, पता है, पढ़े होगे 10th में, ओ थ्री क्या है, ओजोन। अब ओजोनोलिसिस तुम्हारा दो टाइप का रहा था, पहला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे है, उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दैट मीन रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दो टाइप का यहाँ पे, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। और इसमें जो सेकेंड रिएजेंट होता है ZnH2O, ये फर्स्ट एजेंट क्या है, O3। ओजोनोलिसिस प्रोसेस है तो उसमें O3 रहेगा ही, और सेकेंड एजेंट जो होता है इसमें ZnH2O। और इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, दोनों रिएजेंट मिला करके वो बनता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है इसको सिंपली ब्रेक करना यहाँ पे है, इस वाले पार्ट को। और जैसे इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा CrR। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना यहाँ पे, CrH OO। बस तुम्हें यही एक काम करना है यहाँ पे। जब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रहता है यहाँ पे है, इसमें तुम्हें क्या करना है, अल्किन जब भी होगा तो डबल बॉन्ड को कम्प्लीटली ब्रेक कर देना है, और दोनों साइड इधर भी कार्बन था, इधर भी कार्बन था, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन जाता है इसमें तुम्हारा O3। और ये एक बाय प्रोडक्ट और भी बनता है यहाँ पे, क्योंकि तीन ऑक्सीजन एटम होता है, इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों को पाना है, बट वो आगे का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को प्रोडक्ट लिखने सीखना है यहाँ पे, कि प्रोडक्ट कैसे लिख पाता है यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन में से दो ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाता है, और एक ऑक्सीजन जो होता है वो ZnO के साथ चला जाता है। चलो 10th में पढ़े कुछ, तो यहाँ पे बताओ कि ZN का यहाँ पे जो, मान लो यहाँ पे ZN किसी के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो ZN अगर एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना यहाँ पे ZN का, एनीवन? ZN का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़े, चलो ठीक है यहाँ पे। तो ZN अगर कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में रहता है, दैट मीन्स वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, उस पर जो चार्ज होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसका जीरो होता है वहां पे। और सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है, इसलिए मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या होता है, ये -2 ऑक्सीजन का चार्ज, और ZN का क्या हो जाता है तुम्हारा +2। तो जीरो चार्ज से अगर +2 चार्ज हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, सही है, ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, बाकी लोगों को पता नहीं है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। ये तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे ZnO, और बाकी इसमें ये तुम्हारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ जाएगा। जब पालोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चीज अपने आप क्लियर हो जाता है। एक चीज और क्लियर करूं मैं यहाँ पे, ये तीनों प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मोनोहैलोजिनेशन, ओजोनोलिसिस, ये दोबारा तुम्हारा 12th जब पढ़ेंगे हम लोग, 12th में रिएक्शन आएगा, फिर दोबारा ये चीजें 12th में आने वाला है तुम्हारा। एक मैंने यहाँ पे बताया कि इसका मैक्सिमम आगे पढ़ेंगे, आगे का मतलब है कि सारा रिएक्शन 12th में आता है तुम्हारा।
यहाँ पे तीनों का सिर्फ प्रोडक्ट लिखने सीखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सीख रहे थे कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन में, इससे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, एच और एच को एड कर दे रहे थे। अब ये एक्चुअल में एडिशन होता कैसे है, यहाँ पे कौन सा मैक्सिम इन्वॉल्व है, बॉन्ड कौन कैसे ब्रेक हो रहा है, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिखना सीखना है तुम्हें। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें सी डबल बॉन्ड हो। अब देखिए एग्जांपल कुछ मैं लो यहाँ पे अल्किन का ही, फिर अल्काइन का हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूँ। अब इसमें यहाँ पे होता ये है कि अल्किन के साथ पहले जब O3 का रिएक्शन होता है, इसमें एक स्टेप ये भी दिखा लोगे इसमें तुम लोग, आर आर ओ सी आर, अल्किन का रिएक्शन सिर्फ अगर O3 के साथ होता है तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनता है यहाँ पे। लेकिन इसमें दो दो रिएजेंट है, जब इसमें फिर ZnH2O का भी रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे है, तो फिर तुम्हारा इसमें ये कंपाउंड बन पाता है यहाँ पे। और मैंने बताया अभी जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ZN का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या तुम्हारा था, 0, और यहाँ पे +2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने का मतलब था कि चार्ज, इस पे चार्ज 0 होता है और इसमें +2 चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ पे, -2 चार्ज। अब बोलो सर आपने कैसे पता किया कि ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक रूल ये रहता है, ऑप्शन का एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे सब लोग इस पैटर्न पे, 1s2 2s2 2p4, ये पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े, ये पढ़ लिए, ये भी नहीं पढ़े, ये तो पढ़े होंगे 2 एंड 6 10th में। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट पूरा कर लेता है, दैट मींस ऑप्शन पे -2 चार्ज आ पाता है, और ऑप्शन पे -2 चार्ज तो ZN पे +2 चार्ज आ जाएगा बैलेंस करने के लिए चार्ज को। तो 0 से +2 में जा रहा था, ये कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कुछ लोग बता भी रहे थे। इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, बट इस कंपाउंड्स में ये जो कंपाउंड है तुम्हारा, इसको बोलते भी हम लोग ओजोनाइड। इस ओजोनाइड में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, तो मैं 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन ZN के साथ बाहर चला जाता है ZnO1 के। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बाकी लोग भी बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ये क्या होता है, रिडक्शन। तो ओजोनाइड का रिडक्शन हो रहा होता है, दैट मींस इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिखना सीखना है, और ये मैं जैसा मैंने पहले बताया दोबारा 12th में आता है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे वहां पे डिटेल में। तो यहाँ पे ये चीजें तुम लोग दिखा लोगे इस केस में, ये डायरेक्टली इक्वेशन तो लिखे होगा यहाँ पे है, इसके नीचे एक O3, सिर्फ O3 अगर होता, मेन इक्वेशन तो तुम्हारा ये है ही इसमें, बट इसमें एक बीच में भी कंपाउंड बनता है जो कि क्या होता है, ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड जब ZN के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्सीजन ZN के साथ बाहर चला जाता है, और ये आपस में फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये रीअरेंज हो जाता है। चलो इसको नोट कर लो, बस एक एग्जांपल देख लेता है यहाँ पे हम लोग, और इसका क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक या मुझे पेपर जो मैंने देखा है ओजोनोलिसिस का सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक या दो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और उसमें भी जो क्वेश्चन है तुम्हें बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी अगर अल्किन हो उसमें CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, तो
यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ओ थ्री दिया गया है और जेड एन एच टू ओ, आई थिंक सब लोग पोर्ट भी बना सकते हो इसका। क्या करना है तुम्हें, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजनेट करना है, बनाओ प्रोडक्ट यहाँ पे। और पता कैसे चलेगा सर, ओजोनोलिसिस कराना है तो उसमें O3 होगा। अब ये तो पता है सब लोगों को कि O3 है तो ओजोन है, वहां पे ओजोनोलिसिस कराना है। उसको नोट भी करो। नीचे टू डॉट सिरिन, आप फिर से बताओ क्या बता रहे हो। नीचे टू डॉट सिरिन H2 का मतलब क्या होता है? H2O, मैंने क्या दिया हुआ H2O, वो क्या होता है वाटर। H2O क्या है मतलब, यहाँ पे वाटर जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है, वाटर मीडियम में हो रहा है। एक मीडियम तो चाहिए कोई रिएक्शन होने के लिए, एक्वस मीडियम में होता है यहाँ पे। तो वाटर यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। बाकी जेडन H2O है, ये क्या इंडिकेट करता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को। O3 है तो दैट मीन्स ओजोनोलिसिस, और ZNH2 है दैट मीन्स रिएक्टिव ओजोनोलिसिस। प्रोडक्ट बन गया होगा सब लोगों का। क्या करते हैं इसमें CH3 CCH3, और इसी डबल बॉन्ड को तो ब्रेक करना है यहाँ पे। श्रेय बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक क्या दो तीन क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर का भी, बट ज्यादा जो क्वेश्चन है तुम्हारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसका प्रैक्टिस अच्छे से करोगे और फिर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन और मोनोहाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस का भी एक दो क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होगा छोड़ दोगे, एक ही क्वेश्चन है, मैंने जहाँ तक पेपर देखा है। बाकी बस इतना पता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन को एड कर दोगे। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक CH3 था और एक एच है, ये तुम्हारा पोर्ट आ जाता है, एसीटोन और एसीटाल्डिहाइड। एक क्वेश्चन और मैं कर लू यहीं पे, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा कर सकते हो उसमें। मान लो कि एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ पे एच है और यहाँ पे CH3 है। एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख लोगे ध्यान से, O3 और ZNH2O, इसको पोर्ट बनाओ सब लोग। क्या करोगे इसमें, यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, खुद से ट्राई करो, इसको ब्रेक करो और सी डबल बॉन्ड हो ऊपर भी और नीचे भी सी डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड हो CH3, सी डबल बॉन्ड और नीचे H। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, जितना डबल बॉन्ड दिख रहा है डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन एड कर देंगे, और वही हम लोग फाइनल कोर्ट में यहाँ पे कर भी रहे थे। क्लियर है यहाँ पे है सर? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट रह सकता है। देखिए इस फर्स्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा था तुम्हारा, दो, एक एसीटोन और एक एसीटाल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें भी दो प्रोडक्ट बन रहा है। देख लो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, कल छुट्टी है तुम लोग, कल कुछ है ही नहीं तो दो चार मिनट एक्स्ट्रा देख सकते हो। और ऐसा नहीं सर भूख लग गया ऐसा छोड़ दो, अब वो 7-8 में होता था बच्चे, अब तुम इस लेवल में आ गए हो तो दो चार मिनट एक्स्ट्रा हम लोग कर सकते हैं, 5 मिनट तो ऐसे भी लेट हो जाता है क्लास स्टार्ट होने में। हो गया सर, तो ठीक है मैं चलो इसी पेज पे मैं कर लेता हूँ। तो कॉपी कर लो यहाँ पे सब लोग पहले, तो बस डबल बॉन्ड तुम्हें जहां दिखे उसको ब्रेक कर देना और दोनों साइड ऑक्सीजनेट कर देना।
अब यहाँ पे एक अपेक्षा इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, एक ही O3 मॉलिक्यूल आ रहा है, तो जितना डबल बॉन्ड है उतना O3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन में। एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही O3 मॉलिक्यूल, एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, एक ही O3 मॉलिक्यूल। सर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो यही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है इसमें, दो, एक ये एसीटोन और एक ये एसीटल्डिहाइड, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन पा रहा है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं और हम लोग यहाँ पे, CH3 CH double bond CH CH double bond C CH3 CH3, इसका ओजोनोलिसिस कराना है यहाँ पे O3 ZnH2O। इसमें यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड है, तो जितना भी डबल बॉन्ड तुम्हें दिखे O3 ZnH2 आ रहा है यहाँ पे सेकेंडरी एजेंट, यहाँ पे दोनों को ब्रेक करना था और दोनों साइड ऑप्शन को ऐड करना है, इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट तुम्हारा CH3 CH है कार्बन से कनेक्टेड H और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करता है यहाँ पे H है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी H है, ये C डबल बॉन्ड O इधर आ जाता और यहाँ पर भी क्या करता है C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, इसका जब ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन पा रहा है यहाँ पे 3। क्लियर? और कुछ यहाँ पे है कि जितना डबल बॉन्ड तुम्हें दिखे हर एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को ऐड कर देना था। तो ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक मैंने जहां तक पेपर देखा एक ही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हो ही जाएगा, बस यही करना है उसको उस क्वेश्चन में। सर अब क्वेश्चन नंबर A9 का 7 ओजोनोलिसिस वाला देखते हैं वहां पे हम लोग, एक मिनट मुझे निकालना पड़ेगा उसमें, अब बताओ बाकी लोग कुछ बता रहे थे। सर इस क्वेश्चन में 4 ऑक्सीजन आइटम का यूज हुआ है ना, पर क्वेश्चन में तो 3 भी बताए। देखो इसमें यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे जितना डबल बॉन्ड है उतना O3 मॉलिक्यूल यूज होता है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 का मतलब ये नंबर है, ये फर्स्ट एजेंट है तुम्हारा और ये सेकेंडरी एजेंट है। क्लियर है? ये 1 2 ये फर्स्ट एजेंट और ये सेकेंडरी एजेंट, इसमें दो डबल बॉन्ड है तो 2 O3 मॉलिक्यूल यूज हुआ है, दो मॉलिक्यूल ओजन का यूज हुआ है। चलो ठीक है, इसमें वो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे ओजोनोलिसिस में। एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो अगर केमिस्ट्री में पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन अगर छूट भी रहा है ओजोनोलिसिस का, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बाकी क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट करके आना है। ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से है, मोनोहाइड्रोजिनेशन से है, 2-3 क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का है और फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी क्वेश्चन है, तो जो पहली है उसको फोकस करना है। मान लो कि हम लोग लास्ट ओजोनोलिसिस पढ़े हैं, इसका अगर एक क्वेश्चन है तो उसको छोड़ भी सकते हो, बाकी अगर सिंपल से हो रहा है और हो जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जो पॉइंट बनाना है वहां पे तो चेक कर लोगे एक बार। बाकी हम लोग ओजोनोलिसिस अगले क्लास में लोग यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ओजोनोलिसिस वाला पार्ट भी। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक में, और हो सकता है कि अगर मंडे को लेक्चर लगता है जैसा देखते हैं वहां पे हो ही जाएगा ये पार्ट भी, अच्छे तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है वहां पे, और लेक्चर नहीं होगा तो फिर बिना लेक्चर अगर नहीं लगता मंडे को मेरा तो फिर ट्यूजडे को जो भी पेपर आता है तो उसमें पेपर देना अच्छे से। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे, इसको कॉपी कर लो पहले। बाय सर। बाय।